स्वागत है दोस्तों आपका दीक्षित आईटी क्लासेस में, और मैं हूं मनीष। और आज हम वापस कुछ कमांड्स के बारे में सीखेंगे जो लिनक्स पे रन होती हैं, जैसे कि ls, cp, mv, rmdir, rm, top, ps और कुछ कमांड्स और ऐसी हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है लिनक्स में आगे जाने से पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में मैं वापस रूट यूजर, जो कि बाय डिफॉल्ट यूजर होता है, उससे लॉगिन करूंगा। और सबसे पहले हम बात करेंगे ls कमांड की। मेरे लास्ट सेशन में अपन ने ls कमांड के बारे में देखा था कि लिस्टिंग होती है जो किसी भी डायरेक्टरी के अंदर के कंटेंट को शो करती है, राइट। तो यहां पे ls से रिलेटेड मैं कुछ और ऑप्शन देखूंगा, तो उसकी हेल्प लेने के लिए, ls से रिलेटेड हेल्प लेने के लिए मैं क्या करूंगा, मैन स्पेस ls एंटर मारूंगा। तो यहाँ पे उसकी सारी की सारी उसके ऑप्शंस शो करेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक माइनस ए ऑल, राइट। तो ये एक ऑप्शन है। एक दूसरा ऑप्शन मैं और चूज करूंगा जिसको बोलते हैं माइनस एल, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये हाइफन एल, यूज अ लॉन्ग लिस्टिंग। तो इन दोनों ऑप्शन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो मैं यूज करता हूं कमांड ls स्पेस माइनस ए। तो ये क्या काम करेगा, देखिए आप, जैसे ही मैंने कहा तो इसमें डॉट करके भी फाइल्स जितनी भी होती हैं या डायरेक्टरी होंगी वो सारी की सारी शो कर देगा। लेकिन अगर मैं केवल ls कमांड यूज करता हूं तो ऐसा नहीं करता। तो ls स्पेस -a क्या करता है, जो हिडन डायरेक्टरीज होती है, जैसे विंडोज में हिडन डायरेक्टरीज होती है, तो उनको शो करने के लिए आपको व्यू उसमें जाकर के आप उसमें ऑप्शन को सेलेक्ट करते हो। सेम यहां पे भी ls स्पेस -a से वो हिडन कंटेंट, जितने भी फाइल्स और डायरेक्टरी होती है, वो सारी की सारी शो कर देता है। दूसरा ऑप्शन होता है ls स्पेस -l, जैसे कि वहां पे वो दिखा रहा था कि हाइफन एल माइनस एल क्या शो करता है, लॉन्ग लिस्टिंग। तो ls स्पेस माइनस एल लॉन्ग लिस्टिंग शो करेगा, जैसे कि विंडोज में आप डिटेल्स करते हो, कोई भी आपके कोई फोल्डर बनाते हो तो उसमें जितने भी आइकन्स होते हैं उनको अगर आप डिटेल के उसमें व्यू देखना चाहते हो तो सारी के सारे उसके कंटेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शो करता है। वैसे ही यहाँ पे लिनक्स में ls स्पेस माइनस एल से उसकी सारी की सारी डिटेल्स शो हो जाएंगी कि वो फाइल कब बनी है, मॉडिफाई हुई है, किसने बनाई है, उसके ऊपर क्या परमिशन है। सेकेंड कमांड मैं बात करता हूं अब यहाँ पे, वो है cp। cp कमांड होती है कॉपी कमांड। कॉपी कमांड बेसिकली आपको जैसे पता है कि कोई भी फाइल या फोल्डर कॉपी करते हो तो उसके लिए विंडोज में आप राइट क्लिक करके कॉपी कर लेते हो, यहां पे लिनक्स में आपको कॉपी करने के लिए cp कमांड यूज में लेते हैं। तो अगेन दोबारा मैं अगर मैं इसकी हेल्प लेना चाहता हूं तो मैं क्या यूज करूंगा, मैन कमांड हेल्प लेने के लिए और उससे स्पेस उस कमांड का नाम। तो मेरे को cp की हेल्प लेनी है तो cp और एंटर, तो यहाँ पे उससे सारे जो ऑप्शंस हैं वो उसको शो करेगा। तो अब हम सबसे पहले इसको क्यू करके क्विट कर देंगे पहले तो, ठीक है। और उसके बाद अब मैं बात करता हूँ cp कमांड की। तो मेरे पास जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक फाइल भी मैंने लास्ट वीडियो में बनाई थी और दो डायरेक्टरी बनाई थी। तो मैं इसी फाइल को लेता हूं, मेरे को इस फाइल को कॉपी करना है और मेरे को इस फाइल को कॉपी करके /mnt में डालना है। अब दोस्तों अगर आपको याद हो मेरी पहली वीडियो में मैंने बताया था कि /mnt क्या काम में आती है, ये टेम्पररी माउंटिंग फाइल्स के लिए काम में आती है, तो मैं उसको एज ए यूज में अभी कर सकता हूं। तो अगर मेरे को इस फाइल को कॉपी करके इस डायरेक्टरी से mnt में डालना है तो मैं क्या करूंगा, जैसे आप देख पा रहे हो ये अभी मैं कहां पे हूं, रूट की होम डायरेक्टरी में, राइट। तो मैं कमांड यूज करूंगा cp स्पेस, अगर मैं इसी डायरेक्टरी में हूं तो मैं केवल उस फाइल का नाम ले लूंगा, अदरवाइज मैं पाथ देना पड़ेगा, टैब दूंगा यूज, और मेरे को कहां पे इसको पुट करना है, डालना कहां है, mnt में, और टैब यूज करूंगा। तो अब इस कमांड से क्या होगा, जो ffh नाम की फाइल है वो कॉपी होकर के कहां पे चली जाएगी, mnt के अंदर। एंटर मारता हूं, कमांड एग्जीक्यूट हो गई। तो अब मैं चेक करना चाहता हूं कि उसके अंदर फाइल गई है या नहीं, तो ls यूज करता हूं लिस्टिंग के लिए, और यहीं से बैठे बैठे देखना है तो ls स्पेस /mn दबाऊंगा और टैब मार दूंगा। जैसे ही मैं एंटर मारूंगा तो आप देख पा रहे हो ffh, तो ऑटोमेटिकली एक फाइल जो यहां से थी यहां से कॉपी होके वहां पे चली गई। तो cp कमांड बेसिकली कॉपी करने के काम में आती है। अगर मेरे को कोई डायरेक्टरी भी कॉपी करनी है तो मैं उसको इससे भी कॉपी कर सकता हूं, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, पहले अभी मैं फाइल के ऊपर फोकस कर रहा हूं, राइट।
ऐसे ही एक कमांड होती है एमवी कमांड। एमवी कमांड जो होती है वो होती है मूव कमांड या फिर रीनेम। अगर किसी फाइल को या डायरेक्टरी को आपको रीनेम करना है या मूव कराना है, ठीक है, तो उसके लिए आप कमांड जो यूज करोगे वो आप एमवी कमांड करोगे। विंडोज में जैसे कि आपने देखा होगा कट होता है और रीनेम होता है, तो यहाँ पे केवल एक ही कमांड होती है दोनों के लिए, मूव और रीनेम करने के लिए एमवी। ठीक है, तो अपन बात करते हैं इसी फाइल की जो कि MNT में, मेरे को इस फाइल को मूव कराना है जो कि MNT डायरेक्टरी में है, उसको मूव करा के मेरे को कहाँ पे डालना है, बूट डायरेक्टरी में। ध्यानो दोस्तों, अपन ने बात करी स्लैश बूट में क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन ऑन लिनक्स कर्नल से रिलेटेड जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं वो सारी वहां पे सेव होती हैं। तो मैं कमांड क्या की यूज करूंगा, एमवी मूव कराना है, तो कहां से उठाना है मेरे को पाथ, कहां से MNT के अंदर कौन सी फाइल उठानी है, टैब मार दे सर, और उसके बाद अब कहां पे इसको मेरे को मूव कराना है, स्लैश बी ओ और टैब मार दूंगा मैं, राइट, तो ऑटोमेटिकली वो स्पेल पूरा कर लेगा। तो अब इस कमांड से क्या होगा, MNT के अंदर जो फाइल FFH है वो फाइल मूव होकर के कहां पे चली जाएगी, बूट डायरेक्टरी में। कमांड एग्जीक्यूट हो गई, अगर मेरे को देखना है तो पहले मैं चेक करूंगा MNT में है या नहीं है। जैसे ही मैं चेक करूंगा LS, तो आप देख सकते हो यहां से वो फाइल कट हो चुकी है, मूव हो चुकी है, लेकिन वहां पे बूट डायरेक्टरी में गई है या नहीं, उसके लिए ls स्पेस स्लैश bo और टैब मारूंगा तो ऑटोमेटिकली ये रिजॉल्व कर लेगा और एंटर। अब आप यहां पे देख सकते हैं वो फाइल FFH नाम की जो फाइल थी वो यहां पे आ चुकी है, राइट दोस्तों। अब इसी तरह से मैं इसको अब रीनेम करूंगा, ठीक है, तो रीनेम करने के लिए सपोज करो मेरे को वही अगेन एमवी कमांड यूज करूंगा, एमवी स्पेस, अब मेरे को कहां से फाइल रीनेम करनी है, बूट डायरेक्टरी में से, ठीक है, उसके बाद फाइल का नाम, ठीक है, अब मेरे को सपोज करो इसको यहां से रीनेम करना है बूट ही डायरेक्टरी में, किस नाम से, मनीष नाम से, ठीक है, तो अब क्या होगा, ये FFH नाम की जो फाइल है ये रीनेम हो जाएगी उसी डायरेक्टरी के अंदर मनीष नाम से, एंटर, ls करके मैं चेक करूंगा, ये देखिए मनीष नाम, वो FFH नाम की जो फाइल थी वो चली गई और मनीष नाम की एक फाइल आ गई, तो ये फाइल वही फाइल है जो हमने रीनेम की है। इसी तरह से अगर सपोज करो मेरे को दोनों फंक्शन एक साथ करने हैं, मेरे को कट भी करना है और उसका नाम भी चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा, mv कमांड अगेन, कहां से फाइल कहां से उठानी, जो भी फाइल जहां पे डेस्टिनेशन वो सोर्स का है, ठीक है, अब मेरे को इसको कट भी कराना है और कहां डालना है मेरे को, सपोज करो इसको डालना है ईटीसी डायरेक्टरी, ईटीसी नहीं एमएनटी डायरेक्टरी में, तो मैं क्या यूज करूंगा, एमएनटी, और नाम भी चेंज होना चाहिए, तो अगर मेरे को नाम चाहिए सपोज करो एबीसी में डाल देता हूं, तो अब क्या होगा, ये फाइल जो कि बूट डायरेक्टरी में है मनीष नाम की वो यहां से कट हो जाएगी और एमएनटी के अंदर एबीसी के नाम की फाइल बन जाएगी। अब मैं एंटर करता हूं, फाइल एग्जीक्यूट हो गई कमांड, ls करके देखता हूं पहले बूट में तो नहीं है ये फाइल, देखिए दोस्तों नहीं है। अब मैं ls करके वापस MNT में करता हूं तो ये फाइल ABC के नाम से यहां पे रिप्लेस हो चुकी है। तो MV जो कमांड है बेसिकली दो फंक्शन करती है, एक तो मूव कराने के लिए और एक रीनेम कराने के लिए। अब बात करते हैं हम एक RMDIR की, RMDIR जो कमांड होती है दोस्तों ये बेसिकली जो आपकी डायरेक्टरी होती है एम्प्टी डायरेक्टरी उसको रिमूव करने के लिए काम में आती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक डायरेक्टरी बनाई थी अपने मनीष नाम से, वो बनाई थी रूट की होम डायरेक्टरी में, अगर जैसे मैं चेक करता हूं ls स्पेस स्लैश रूट की होम डायरेक्टरी में, तो यहां पे देख सकते हो मनीष नाम की एक डायरेक्टरी बनी है और xyz नाम की भी एक डायरेक्टरी बनी है। तो मैं सपोज करो इस xyz नाम को xyz नाम की डायरेक्टरी को रिमूव करनी है, तो मैं क्या करूंगा, rmdir स्पेस कहां पे रूट की होम डायरेक्टरी में और xyz, एंटर, चेक करने के लिए अगेन ls कमांड और किसके अंदर, रूट की होम डायरेक्टरी में, देखिए यहां से वो डायरेक्टरी हट चुकी है। अब जैसा कि आपको पता है मनीष नाम की डायरेक्टरी फुल एम्प्टी नहीं थी, तो उसके लिए अगर मैं जैसे एक कमांड चलाता हूं rmdir स्पेस स्लैश रूट मनीष, अब देखिए दोस्तों ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है फेल टू रिमूव डायरेक्टरी, डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी, तो RMDIR कमांड अगर डायरेक्टरी एम्प्टी है तो ही चलेगी, अगर वो एम्प्टी नहीं है उसके अंदर कंटेंट है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस डायरेक्टरी में अपन ने पिछली बार बहुत सारी डायरेक्टरी बनाई थी ए के अंदर बी के अंदर सी के अंदर डी, ठीक है, तो इसलिए ये डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं है तो ये RMDIR कमांड नहीं चलेगी। लेकिन अगर मेरे को इसको डिलीट करना है तो मैं क्या यूज करूंगा, तो RM कमांड
यूज होती है कोई भी फाइल या डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए, चाहे वो एम्प्टी हो चाहे नहीं हो, राइट। तो आरएम कमांड को जानने से पहले मैं सबसे पहले इसकी हेल्प लूंगा, मैन स्पेस आरएम, एंटर। यहाँ पे उसके ऑप्शंस दे देगा। देखिए सबसे पहला ऑप्शन है माइनस एफ फोर्सफुली। तो कई बार क्या होता है, कोई डायरेक्टरी अगर आपको डिलीट नहीं होती है तो इस ऑप्शन को आप यूज कर सकते हो फोर्सफुली डिलीट करने के लिए। चलिए अपन देखते हैं, चेक करते हैं, और भी ऑप्शन है, आप उसको वन बाय वन चेक करके देख सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस डायरेक्टरी के लिए जो कि एम्प्टी नहीं है, आरएम स्पेस उस डायरेक्टरी का नाम, आरएम स्पेस पाथ ऑफ द डायरेक्टरी। तो मेरी ये डायरेक्टरी आरएम स्पेस रूट की होम डायरेक्टरी के अंदर मनीष, एंटर। अब देखिए ये बोल रहा है कैन नॉट रिमूव रूट मनीष इज अ डायरेक्टरी। तो उस डायरेक्टरी को हटाने के लिए मैं यूज करूंगा rm स्पेस माइनस rf स्पेस रूट की होम डायरेक्टरी के अंदर मनीष। अब मैं अगर वापस चेक करता हूं तो देखिए यहां से वो डायरेक्टरी हट चुकी है। तो rm जरूरी नहीं है डायरेक्टरी के लिए, ये फाइल के लिए भी होता है। अगर मैं rm स्पेस उस फाइल का नाम यूज करूंगा, जैसे कि ffh करके एक फाइल बनी हुई है, तो देखिए ये बोलेगा आरएम पूछेगा कि रिमूव रेगुलर एम्प्टी फाइल, अगर आप उसको यस करते हैं तो वो उसको डिलीट कर देगा, राइट। तो अगर वापस चेक करते हैं, राइट। अब अगर मैं चाहता हूं कि वो पूछे ही नहीं, वो बिना पूछे ही उसको डिलीट कर दे, तो मैं उसके लिए ऑप्शन यूज करूंगा। पहले मैं एक फाइल बना देता हूं अगेन, जैसा कि आप देख सकते हो ESD फाइल बनी हुई है। अब मेरे को अगर रिमूव करना है RM स्पेस अगेन माइनस RF, ठीक है, रिकर्सिव एंड फोर्सफुली, अब उस फाइल का नाम और एंटर, LS करके देखूंगा तो यहां से वो फाइल चलेगी, राइट। तो RM कमांड जो होती है वो रिमूव करने के लिए होती है डायरेक्टरी और फाइल्स के लिए। अब इसके बाद एक कमांड आती है सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे आपने देखा होगा विंडोज में टास्क मैनेजर होता है और रिसोर्स मैनेजर। तो टास्क मैनेजर में क्या होता है, टास्क मैनेजर में आप देखोगे तो सारे प्रोसेस दिखते रहते हैं, कौन कौन सी एप्लीकेशन चल रही होती है, कौन से यूजर्स कितनी एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं, कितना उसका कंज्यूम करते हैं, सीपीयू यूजेज आपका, मेमोरी यूजेज, वो सारा दिखता है। तो यहां पे कौन सी कमांड होती है, लिनक्स में जो कमांड होती है वो होती है टॉप, आप टॉप कमांड होती है उसको यूज कर सकते हो और एंटर मारोगे। तो जैसे आप एंटर मारोगे तो यहाँ पे जितने भी यूजर लॉगिन हो रखे होते हैं, बाय डिफॉल्ट अभी तो यहाँ पे अपन ने एक ही यूजर बनाया जो डिफॉल्ट यूजर होता है रूट यूजर, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दिखाया कि उस पे रूट जो यूजर है लॉगिन हो रखा है वो कौन कौन सी प्रोसेसेस को यूज कर रहा है, कितनी कंजप्शन हो रहा है, कितना सीपीयू यूजेस जा रहा है, कितनी मेमोरी यूजेस जा रहा है। इसके बारे में अपन और आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एक बेसिक कमांड के रूप में टॉप जो होती है आपकी प्रोसेसेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहती है। क्यू से आपका बाहर आ जाएगा वापस। अगर मैन करके मैं टॉप देखूंगा तो आप देख सकते हो टॉप क्या करेगा, डिस्प्ले लिनक्स प्रोसेसेस, सेम वही जो टास्क मैनेजर करता है आपका विंडोज में, ऑलराइट। तो ये आपकी अगली कमांड हुई। अब बात आती है दोस्तों लिनक्स में टर्मिनल कितने होते हैं। लिनक्स में बाय डिफॉल्ट जो टर्मिनल होते हैं 6 कमांड लाइन इंटरफेस होते हैं। अपनी सबसे पहले बात हुई थी सबसे पहले वीडियो में कमांड लाइन इंटरफेस और GUI का ये मिक्सअप है, राइट। तो CLI बाय डिफॉल्ट इसमें 6 होते हैं और ग्राफिकल 1 होते हैं, आप उसको एक्सटेंड भी कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट 6 CLI होते हैं, तो लेकिन ये पता कैसे पड़ेगा CLI कि कौन से CLI पे मैं लॉग इन हूं, कमांड लाइन इंटरफेस पे हूं। तो सबसे पहले तो मैं इसमें लॉग आउट कर लेता हूं। लॉग आउट करने के लिए आप सिंपल कंट्रोल और D यूज कर सकते हो, कंट्रोल दबा के रखो, जो आपके कीबोर्ड पे कंट्रोल का बटन है उसको दबा के रखो और D प्रेस करो। जैसे ही आप करोगे तो ये लॉग आउट हो जाएगा रूट से। अगेन मैं लॉग इन करता हूं रूट नाम से यूजर से। देखिए अब इसने सबसे पहले बोला है लास्ट लॉग इन सैटरडे डेट टाइम ऑन TTY1, ये है आपका टर्मिनल 1। अब मेरे को क्या पता ये टर्मिनल 1 है या नहीं है। अब मैं क्या यूज करूंगा, अगर दूसरे टर्मिनल पे जाना है तो मैं ऑल्ट कंट्रोल और जो फंक्शन की होती है F1 से F6 वो इसके टर्मिनल्स होते हैं। तो बाय डिफॉल्ट अभी कौन से टर्मिनल पे आएगा ये, कंट्रोल ऑल्ट F1 पे, पहले टर्मिनल पे, मतलब कंट्रोल दबा के रखिए फिर ऑल्ट दबाइए और ऊपर की फंक्शन की F1, फिर दूसरे टर्मिनल के लिए कंट्रोल दबाइए ऑल्ट दबा के रखिए और फिर F2, फिर ऐसे ही तीसरे के लिए कंट्रोल और ऑल्ट दबा के रखिए F3, फोर्थ के लिए कंट्रोल ऑल्ट दबा के रखिए फिर
F4, F5, F6 इस तरह से। तो अब मैं सेकंड टर्मिनल पे चलता हूँ, कंट्रोल और ऑल्ट जो आपके कीबोर्ड पे हैं उनको दबा के रखिए, और उसके बाद F2। ये देखिए एक नया लॉगिन। अब मैं वापस यहाँ पे लॉगिन करता हूँ, रूट और उसका पासवर्ड। ये देखिए अब मैं कंट्रोल ऑल्ट दबा के F3, अब देखिए यहाँ पे टर्मिनल 2 आ गया। तो जो लास्ट लॉगिन थी वो आपके टर्मिनल 2 पे था, राइट। अब अगेन मैं जाऊंगा ऑल्ट कंट्रोल और F4, अगेन रूट पासवर्ड, अब दिखाएगा टर्मिनल 3 पे लॉगिन कर चुका था। तो इस तरह से मैं इनको यूज कर सकता हूँ। ग्राफिकल को मैंने अभी आपको यूज करना नहीं बताया, अपन कमांड लाइन से इस ग्राफिकल को इंस्टॉल करेंगे बाद में। ऑलराइट, तो अब सबसे पहले मैं वापस अगेन पुराने वाले टर्मिनल पे चल देता हूँ, फर्स्ट नंबर पे, राइट। तो ये इस तरह से बेसिकली इसमें टर्मिनल्स होते हैं। इसके बाद कमांड्स होती हैं, एक कमांड और आती है जो कि बहुत यूजफुल है, दैट इज कॉल्ड PS, प्रोसेस। तो प्रोसेस देखने के लिए आप PS कमांड यूज करते हैं। उससे पहले मैं इसका मैन करके हेल्प लूंगा, इसकी मैन करके PS। अब देखिए जैसे ये PS क्या करेगा, रिपोर्ट स्नैपशॉट ऑफ द करंट प्रोसेसेस। करंट प्रोसेसेस मतलब जो आपके करंट प्रोसेसेस चल रहा है जिस यूजर पे, उसके बारे में वो शो कर देगा। ऑलराइट, तो अगर मेरे को सारे यूजर के प्रोसेस देखने हैं एक साथ, तो मैं कमांड को यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शंस हैं उनको मैं यूज कर सकता हूँ। ऑलराइट, तो जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, PS। अभी देखो इसने दिखा दिया कि ये टेक्स्ट टर्मिनल 1, मतलब ये टर्मिनल 1 पे है, ठीक है। उस पर कौन कौन सी बैश, मतलब जो इसकी शेल है, शेल के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, और एक कमांड चलाइए PS। ऑलराइट, इस तरह से अगर मैं सपोज को दूसरे टर्मिनल पे जाता हूं और एक कमांड यूज करता हूं, ये कैट कमांड हम क्या होती है बाद में डिस्कस करेंगे। अभी बस मैंने एक कमांड यूज करी है दूसरे टर्मिनल पे, वापस मैं पहले टर्मिनल पे जाता हूं और अब कमांड चलाता हूं PS स्पेस -a। तो ये देखिए अब इसने क्या शो किया है, इसने शो किया है कि TTY2 पे कमांड कौन सी चली हुई है, कैट कमांड। ऑलराइट, और TTY1 पे कौन सी कमांड चली हुई है, PS। तो इसने क्या किया, दोनों टर्मिनल पे जो भी कमांड चल रही थी, प्रोसेस चल रहा था, उसको शो कर दिया। इसी तरह से PS कमांड जो होती है बेसिकली, अगर आप -a के साथ यूज करते हो, जितने भी टर्मिनल्स पे ग्राफिकल पे वो कमांड आपके प्रोसेस रन हो रखे होते हैं उनको शो करती है। ऑलराइट, तो इस तरह से PS कमांड यूजफुल होती है। अब हम बात करते हैं सबसे लास्ट कमांड की, जो फिलहाल इस वीडियो के लिए लास्ट है, वो है यूजर एड, और टैब मारूंगा तो वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो यूजर एड कमांड क्या करती है, आपके लोकल सिस्टम पे यूजर को ऐड कराती है, एक लोकल यूजर बनाती है। जैसे कि मैंने यूजर एड स्पेस मैंने दिया MANN, ठीक है, मन। तो यूजर ऐड मन क्या कमांड क्या काम करेगी, जो मन नाम का जो यूजर है वो ऐड करा देगी इस लोकल सिस्टम पे, आपके लोकल लिनक्स पे। एंटर मारूंगा, देखिए कमांड एग्जीक्यूट हो गई। अब यूजर तो बन गया, मेरे को क्या पता ये बना या नहीं बना, उसके पहले मेरे को इसका पासवर्ड भी तो सेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं कमांड यूज करता हूँ PASSWD, और जैसे टैब मारूंगा तो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। और लेकिन किसका, अगर आप PASSWD और एंटर मारोगे तो वो रूट का यूजर का पासवर्ड चेंज करेगा। तो मेरे को हमेशा क्या करना है, PASSWD स्पेस जिस भी यूजर का पासवर्ड चेंज करना है उस यूजर का नाम, तो PASSWD स्पेस MANN। अब देखिए एंटर मारता हूं तो यहां पे बोलेगा पासवर्ड चेंज करने के लिए, मैं सेट कर देता हूं। आप जो भी चीज टाइप करोगे वो यहां पे शो नहीं करेगा, राइट, एनक्रिप्टेड रहता है और आपको शो नहीं होगा ये। एंटर, ऑलराइट, तो अब ये यूजर बन चुका है, किस नाम से, मन नाम से, और जो मैंने पासवर्ड उसका सेट किया है, ठीक है। अगर मेरे को चेक करना है कि ये यूजर बन चुका है या नहीं बन चुका, तो मैं क्या करूंगा, अगेन एक नए टर्मिनल पे जाऊंगा, जैसे कि आपने मैंने आपको बताया था F4 पे मैं यूज कर रहा हूं, F5 यूज कर लेता हूं, और यहां पे उस यूजर से लॉग इन करूंगा जो मैंने अभी बनाया था। ये देखिए दोस्तों, अब ये यूजर लॉग इन कर चुका है। लेकिन अगर आप दोनों में डिफरेंस देखोगे तो दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए वापस, इसमें है रूट, इसमें है मन। तो मतलब पहला, जैसे अपने सबसे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पहला जो कॉलम होता है वो क्या डिफाइन करता है कि आप किस यूजर से लॉग इन हो। ऑलराइट, फिर दूसरे में लोकल होस्ट, यहाँ पे भी लोकल होस्ट, तो ये क्या डिफाइन करता है, आपके सिस्टम का होस्ट नेम। तीसरे बाद में टिल्ड, तो टिल्ड है इसका मतलब ये आपकी होम डायरेक्टरी शो कर रहा है, यहाँ पे भी आपकी इसकी होम डायरेक्टरी शो कर रहा है।
फिर उसके बाद हैश है यहाँ पे, हैश का मतलब वो यूजर जो है उसका सारी प्रिविलेज है, वो एडमिनिस्ट्रेटर है, और डॉलर अगर आपका आता है किसी यूजर के सामने तो इसका मतलब वो एक सिंपल यूजर है, उसके पास प्रिविलेज नहीं है जो सिस्टम्स रिलेटेड जो कमांड्स होती है उनको एग्जीक्यूट करने के लिए। ऑलराइट, तो अगर मैं यहाँ पे पीडब्ल्यूडी करूंगा तो ये क्या शो करेगा, मैंने सार क्या बताया था आपको, जितने भी यूजर होते हैं वो सारे के सारे कहाँ जाते हैं, होम डायरेक्टरी स्लैश होम के अंदर उस यूजर का नाम बन जाता है, उसकी एक डायरेक्टरी बन जाती है। जबकि रूट यूजर के लिए ऐसा नहीं होता, रूट यूजर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जो जाता है वो कहाँ जाता है, स्लैश रूट में। तो स्लैश रूट क्या होती है, रूट यूजर की होम डायरेक्टरी। ऑलराइट, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि इसकी पीडब्ल्यूडी स्लैश होम स्लैश मन है और इसकी रूट यूजर की स्लैश रूट है। ऑलराइट दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।